राम मंदिर का निर्माण, राफ्ट की ढलाई पूरी। नींव के ऊपर 1.5 मीटर की राफ्ट की ढलाई पूरी हुई। 30 ब्लॉक में ढाली गई है राफ्ट, इसके सूखने में लगेगा वक्त। राफ्ट के सूखने के बाद होगा मंदिर के अधिष्ठान का निर्माण। प्लिंथ यानी अधिष्ठान का निर्माण अप्रैल तक पूरा करने का है लक्ष्य। अयोध्या में भगवान श्री राम का निर्माणाधीन मंदिर हर सुबह नए रंग रूप में दिखता है। नींव का एक एक पत्थर नई कहानी कहता है। नींव हो, नींव की राफ्ट हो या फिर प्लिंथ के निर्माण की योजना, सभी में भव्य मंदिर के निर्माण के सृजन का बीज छिपा है। नींव के बाद अब राफ्ट की ढलाई हो चुकी है। इसके सूखने में करीब 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद इस मजबूत चट्टान पर मंदिर की प्लिंथ यानी मंदिर के अधिष्ठान का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्लिंथ यानी स्तंभ के नीचे के हिस्से के ऊपर ही राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा। 2022 का ये साल पूरा होते होते गर्भगृह के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से निर्माण कार्य चलता रहा तो 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास यात्रा के बारे में। बीस जनवरी के बाद शुरू होगा प्लिंथ निर्माण। राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। नींव के ऊपर 1.5 मीटर की राफ्ट की ढलाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब राफ्ट को प्राकृतिक रूप से सुखाया जा रहा है। राफ्ट 30 ब्लॉक में ढाली गई है। सभी ब्लॉक जब सूख जाएंगे तब प्लिंथ यानी श्री राम मंदिर के अधिष्ठान का काम शुरू होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 20 जनवरी के बाद नींव के ऊपर प्लिंथ ढालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्लिंथ से राम मंदिर की नींव को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्लिंथ 6 मीटर यानी करीब 20 फीट ऊंची होगी। प्लिंथ के ऊपर ही राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा। प्लिंथ निर्माण का कार्य अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लिंथ में 4x2 फीट लंबे चौड़े अलग अलग 20 से 22,000 ब्लॉक का प्रयोग किया जाएगा। अधिष्ठान निर्माण का काम पूरा होने के बाद दिसंबर 2023 में मंदिर निर्माण पूर्ण किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्लिंथ निर्माण के लिए पहुंचे 65,000 घन फीट पत्थर। राम मंदिर की प्लिंथ के लिए कार्यदायी संस्था ने अब तक 65,000 घन फीट पत्थरों की आपूर्ति कर ली है। इसमें से 30,000 घन फुट पत्थर बेंगलुरु से और तकरीबन 35,000 घन फीट पत्थर मिर्जापुर से मंगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 3,000 पत्थरों के ब्लॉक पहले से ही तैयार थे। प्लिंथ के निर्माण में कुल 5,00,000 घन फीट पत्थर का प्रयोग किया जाना है। प्लिंथ के किनारे किनारे जोधपुर के पत्थर और बीच में ग्रेनाइट लगाए जाएंगे। बेंगलुरु से ग्रेनाइट से मंदिर का चबूतरा बनेगा। प्लिंथ के निर्माण में कम से कम 4 माह का समय लगेगा। ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि प्लिंथ निर्माण के लिए 2 क्रेन टावर को बहुत पहले ही रामलला परिसर में फिक्स किया जा चुका है। तराशे गए पत्थर इन्हीं क्रेन टावर से निर्धारित स्थान पर उठाकर रखे जाएंगे। पुख्ता जांच परख के बाद ही लगेंगे पत्थर। श्री राम मंदिर में लगने वाले एक एक पत्थर की पुख्ता जांच परख की जाएगी। चूंकि पत्थरों की गुणवत्ता का मूल्यांकन बाहर संभव नहीं है, इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला परिसर के भीतर ही पत्थरों के अंदर से परख रखने वाले विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। पत्थरों की गुणवत्ता परखने वाले विशेषज्ञों की टीम में IIT दिल्ली के प्रोफेसर KS राव और पुणे के एक अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर में जो भी पत्थर लगेगा वो पूरी तरह से दोष मुक्त होगा। मंदिर निर्माण में जुटी संस्थाओं के अनुसार कई बार कटिंग और तराशी के बाद पत्थर में
बाल के बराबर स्क्रैच या फिर अंदर से टूट आ जाती है। यह स्क्रैच नंगी आंखों से नहीं दिखती। यदि इस तरह के क्रैक पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर वो मंदिर का भार सहने में पूरी तरह से सक्षम न हो। इसीलिए मंदिर में लगने वाले एक एक पत्थर की भार क्षमता परखी जा रही है। मौसम बना बिलेंद, 28 दिन सूखेगा राफ्ट। अधिष्ठान यानी प्लिंथ निर्माण के साथ ही मंदिर निर्माण सतह से ऊपर उठने लगेगा। राम मंदिर का निर्माण देखने की लालसा लिए राम भक्तों के लिए ये एक शुभ घड़ी होगी। प्लिंथ पर ही पहले से तराशी गई शिलाएं तय मानचित्र के अनुसार राम मंदिर के रूप में संयोजित और नियोजित की जाएंगी। मंदिर के अधिष्ठान यानी प्लिंथ का निर्माण समय से शुरू हो सके, इसलिए राफ्टिंग के काम को विपरीत मौसम में भी समय से पूरा किया गया। हालांकि एक बार फिर मौसम इस शुभ कार्य में बाधा बना, एक दो दिन के लिए काम रोकना पड़ा। खराब मौसम होने की वजह से ब्लॉक के सूखने में अब वक्त लग रहा है। बेमौसम बारिश के कारण अंतिम ब्लॉक की ढलाई के बाद कम से कम 28 दिन तक इसके सूखने की प्रतीक्षा की जाएगी। इसके बाद फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में अधिष्ठान का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। तेजी से हो रहा है रिटेनिंग वाल का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही मंदिर की सुरक्षा के लिए रामलला परिसर के तीन तरफ बनने वाली रिटेनिंग वाल यानी बाउंड्री वाल का निर्माण काज भी तेजी से चल रहा है। रिटेनिंग वाल एक ऐसा स्ट्रक्चरल वाल है जो किसी भी मटेरियल को रोके रखने के लिए मदद करती है और उसे बहने या ख़त्म होने से बचाती है। रिटेनिंग वाल बनाने के लिए अनेक प्रकार की निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सामग्रियां जैसे कंक्रीट ब्लॉक, पत्थर और चट्टाने आदि हैं। राम मंदिर की रिटेनिंग वाल भी मजबूत चट्टान की तरह बनाई जा रही है। ये मंदिर की नींव को मजबूती प्रदान करेगी। ये दोनों ओर विभिन्न ऊंचाई पर जमीन की सतह को बनाए रखने में भी मदद करेगी। इस समय मंदिर के पश्चिम दिशा की तरफ काम चल रहा है। रिटेनिंग वाल के निर्माण का काम पूरा होने में कम से कम 6 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद राम मंदिर के परकोटे का काम शुरू होगा। सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के बाद बनेगा परकोटा। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर के परकोटे का निर्माण सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के बाद किया जाएगा। परकोटा एक तरह से मंदिर की प्राचीर होगी। मंदिर की सुरक्षा के लिए ये ठीक उसी तरह बनाया जाएगा जैसे प्राचीन काल में किले की सुरक्षा के लिए राजा महाराजा ऊंची ऊंची दीवारें या प्राचीर का निर्माण करवाते थे। मंदिर निर्माण के लिए अनुबंधित मेसर्स चंद्रकांत भाई सोमपुरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक आशीष सोमपुरा के अनुसार परकोटे का निर्माण सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के पहले शुरू हुआ तो इससे अन्य कई काम प्रभावित होंगे। मशीन आदि का आवागमन बाधित हो जाएगा, इसलिए परकोटे का निर्माण बाद में होगा। परकोटे की डिजाइन के अनुसार रामलला परिसर के आसपास की कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई हैं। परकोटे के चारों ओर प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। विक्रमा मार्ग के किनारे विकसित होगी कलश कुंज आवासीय योजना। राम मंदिर निर्माण के साथ ही देश विदेश के नागरिकों की इच्छा अयोध्या में बसने की प्रबल रूप से दिख रही है। इसीलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण राम मंदिर के आसपास कई आवासीय सुविधाएं विकसित कर रहा है। इनमें कलश कुंज आवासीय योजना प्रमुख है। यहाँ प्राधिकरण 1 एकड़ में करीब 150 फ्लैट बनाएगा। ये स्कीम 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कुढ़ा केशवपुर में विकसित होगी। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर प्रहलाद घाट पर जानकी विहार आवासीय योजना भी चल रही है। आवास विकास परिषद भी 1100 एकड़ में भव्य अयोध्या टाउनशिप में 10,000 आवासीय भूखंड विकसित कर रहा है। ये योजनाएं रामनगरी में बसने की इच्छा रखने वालों की कामनाएं पूरी करेंगी। राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, कार्यक्रम को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में शो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें।
ताकि कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सके। अगले हफ्ते मिलेंगे और तमाम जानकारियों के साथ। जय श्री राम।